सारे बेनती है प्लीज सुन लो मैनू सारे प्लीज सुन लो मैनू आवाज आ रही है जी दे शिवा वरमोहे है शुभ कर्म ते कब हो ना डरू ना डरो और सो जब लाए जाए रू निश्चय कर अपनी जीत कर बोले सो निहाल साइलेंट प्लीज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की सोच उन्हां दी गल कर रहे जो उन्होंने कहा कि जिनके जात बोत कुल माही सरदारी ना पई कताही तिन ही को सरदार बनाऊं तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं ए सोच ते पहरा दिंदे होए फिर कहना एक बार जिनके जात गोत कुल माही सरदारी ना पई कताही तिन ही को सरदार बनाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं ए सोच खालसा पंथ दी है ए सोच श्री गुरु गोविंद सिंह दी है गुरु नानक दी है इस सोच नू अगे लेके उन्हां दी सोच ते पहरा दिंदे होए कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी दी हाई कमांड ने श्रीमती सोनिया गांधी जी ने श्री राहुल गांधी जी ने हरीश रावत जी ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कमेटी दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक आम आदमी नू जेड़े कहते फिरते ना आम आदमी आ बैठा आम आदमी नू जी दे पल्ले कुछ नहीं सी जिस घर च जम्मिया ओदे उपर छत नहीं सी प्रोपर थले मेरी मां टोबे चो मैं नाल जांदा सी टोबे विच ते असी गारा लेके आंदे सी विच तूड़ी पा के मिला के मेरी मां ने साडा पुरस लिखा पांडू साडिया कंधा ते फिरदे सी असी आप मेरे फादर ने हर घर दे विच टेंट लगाए सचिन पाजी अज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नू ऐसे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पैदा नहीं राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है एक अगां वधू सोच है गरीबां दी बांह फड़न वाला बंदा है मैं उपकार इन्हां दा मोड़ नहीं सकदा साडे ओ लोग जेड़े गरीबी चो उठ रहे है जेड़े गरीबी चो उठ चुके है जेड़े अंबेडकर दी सोच दे नाल अगे बढ़ रहे है उन्हां दी बांह राहुल गांधी ने फड़ी है मैं अपने दिलों अपने परिवार वालों हर पंजाब दे आम आदमी वालों राहुल गांधी जी दा कांग्रेस पार्टी दा पंजाब प्रदेश कांग्रेस दा पंजाब प्रदेश कांग्रेस दे प्रधान दा सारे एमएलए साहबान दा सारे कांग्रेस दा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दा सारे साबका प्रधानां दा ते पंजाब दी जनता दा हाथ जोड़ के धन्यवाद करना है के गुरु साहब ने कहा कि तुम ही के सजाए गुरु साहब ने कहा कि
आप ही के तिन ही के सजाए सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े की कृपा से सजे हम हैं। मैं भावुक हो गया है। जे कोई ने तो टुक दे विच गलती हो गई हो या वाक दे विच गलती हो गए या मेरे बोलने च गलती हो गए तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इन्हीं की कृपा से सजे हम, नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े। ये गुरु की कृपा है, ये वाहगुरु की कृपा है, मेरी धरती चमकौर साहब की कृपा है, शहीदा सिंह की कृपा है, चमकौर साहब की धरती के लोगों की कृपा है, जिन्होंने जदों गुरु साहब के बेटिया उत्थे शहीद किया गया वो मंजर देखिया होया है साढ़े बजुर्गों ने। ऐसी उस धरती तो मैं चुनिया जाता है जिहड़ी उस पवित्र धरती तो जिथे मानवता दे वास्ते साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बड़े साहबजादे बारे सिंह शहीद होए उस धरती तो मैं आया। मैनू कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी ने पंजाब की सेवा का मौका दिता है। मैं एक गल कह दा कि मैं आम आदमी का, मैं गरीब का नुमाइंदा है, चाहे गरीब किसान है, चाहे गरीब दुकानदार है, चाहे गरीब वो पिंड च बैठा मजदूर है जेड़ा रोज मजदूरी करके खांदा है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे गरीब किसान है, चाहे किसी जाति का गरीब है, मैं उन्हां दा नुमाइंदा, मैं अमीरां दा नुमाइंदा नहीं है। मैं ना उन्हां लोकां दा नुमाइंदा जेड़े सोचा दे विच अपनी दे कालख रखते हैं। मैनू उही बंदे मिलने जेड़े पंजाब की सेवा करना चाहते हैं, जेडे रेते का बिजनेस करना चाहते, मैं हाथ जोड़ता मैं ना मिला। जेडे कोई माफिया करना चाहते मैं ना मिलना, आगे मैं उन्होंने नुमाइंदा नहीं है। मैं रिक्शा चलाने वाले का नुमाइंदा, मैं आप रिक्शा चलाया, मेरे बापू का टेंट हाउस थी, मैं घर घर कुर्सियां ढोईया, मैं हर पंजाब के आम लोग का नुमाइंदा। अच्छ आम लोगों का राज पंजाब स्थापित होया, पंजाब कांग्रेस पार्टी का राज स्थापित हो। सत्कारयोग पत्रकार वीरों, मैं थोड़ा बहुत धन्यवाद करना, तो मैं थोड़े तो आस रखना कि आपने रल के पंजाब की डेमोक्रेसी नूं, पंजाब की आजादी नूं, पंजाब के लोगों की चढ़त नूं अगे लेके जाना है, पंजाब नूं खुशहाल करना है, पंजाब नूं तकड़ा करना है। सोने की चिड़िया है पंजाब, लेकिन मैं एक गल करना चाहूंगा कि खेतीबाड़ी प्रधान सूबा है पंजाब, पंजाब की खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी तां किसानां नूं अपना गल वढ के दे दांगा, लेकिन पंजाब की किसानी ते आंच नहीं आण देगी। ये किसानां दी सरकार है, किसानां दे हितैषी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। काले कानून वापस लैण वास्ते मैं केंद्र सरकार नूं अपील करदा, इह किसानी डुबेगी तां पंजाब डुब जाएगा, किसानी डुबेगी तां हिंदुस्तान डुब जाएगा। किसानी दे नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, किसान की फसल आउंदी है तां दुकान दे विच गाहक आउंदा है, किसान की फसल आएगी तां मजदूर नूं खेत च काम मिलदा है, किसान की फसल आएगी तां किसानी तां पंजाब खुशहाल होएगा, पंजाब सरकार ते असर पैंदा है। इस करके पंजाब सरकार हर तरीके दे नाल किसानां दे संघर्ष दे नाल खड़ी है, और ऐसी सब कुछ बारन नूं तैयार है किसानां दे संघर्ष वास्ते, लेकिन पंजाब दे किसान नूं कमजोर नहीं होण देवां। ऐसी हर तरीके नाल समर्थन करदे हां किसान संघर्ष दा, ते अपील करदे हां कि इन्हां नूं वापस लिया जावे जिहड़े काले कानून है। ऐसी एदे विच 100% नेक नीति दे नाल बिना किसे बलछा रखे, बिना किसे ओदे दा
लालच करे कि साला दे नाल खड़ा। अगली मेरी बेनती ये है कि मैं नहीं सुनना ते ना मेरी हाई कमांड ते मेरे लीडर सुनना चाहते ना मेरे एमएलए सुनना चाहते ते पंजाब दे विच कोई रेता माफिया भी है। अज ही इहदा फैसला कर दांगे कैबिनेट दे विच, अज ही फैसला कर दांगे। जेड़ा बहुत जरूरी है किसानां दा खेतां दी बिजली माफ रहे, किसान लोड़ है, लेकिन एक मोटर गरीबां नूं पानी पिंड दे लोकां नूं पानी भी दिंदी है वो भी माफ होनी चाहिए है। गरीबां दा पानी माफ होएगा पिंडां दे विच, ओ मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा। दस दस लख रुपये दे बिल खड़े है, भी लख रहे, पंजा पंजा लख दे, सारे माफ करांगे कैबिनेट दी अर्जी दे विच। किसे गरीब दा कनेक्शन इस करके नहीं कटेगा के जी उदा बिल देना है, जिदे पिछले पांच साल दे विच या दस साल दे विच किसे दा कनेक्शन कटिया गया के दा बिल रहिंदा है, वो सारे बिल माफ करके उदा कनेक्शन लगेगा। बोले सोनिया 31 अगस्त तक जेड़े किसे दा भी गरीब दा वो असी तय करांगे अज कैबिनेट दे विच साडी हाई कमांड दे अनुसार, लेकिन उन्हां दे बिल दुबारे चलाते असाफता बराबर कर देना, बिल पाट देने, अगे नूं बिल नहीं आना। ते नाल नाल पानी माफ, बिजली दी मैं गल कर ली है, शहरां दे विच वाटर सप्लाई ते सीवरेज 200 गज तक दे या 150 गज तक दे जिवें फैसला होएगा उन्हां तों नहीं उतर है। ये आम आदमी की सरकार है, आम आदमी दी गल्लां करनियां सौखियां, लेकिन असीं उन्हां दे नाल खड़ना है। ये पब्लिक लोकां दी सरकार है, पंजाब दे लोकां दी। इस सरकार दे विच कोई यह नहीं कहेगा मेरी सरकार है या साडी सरकार है, ये सरकार पंजाब दे लोकां दी है, इन्हां ने सानूं बनाया। बहुत फैसले लेने हैं असीं पंजाब दे हित दे विच। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने पानी दे राखे भी कहा गया है, लोगों ने उन्होंने हरमप्यासा भी दिती है। साड़ी पार्टी के लीडर है, जो काम अजे टाइम बचता से अधूरे रह गए, ऐसी तरह के जेड़ी गल ऐसी कही है कि आ मुद्दे रहते हैं, हाई कमांड ने 18 मुद्दे दिते है, वो एक एक करके हूने पूरे होंगे, अगे नहीं पावे, ना बरगाड़ी अगे पेगा ना कोई होर अगे पेगा, गणाउण दी लोड़ नहीं, तुहानूं सारे पता मैं गणाउंदा ही रहा पिछले 6 महीने 1 साल। ये मुद्दे सारे हल होने हैं, किसे नाल दरायत नहीं होनी है सरकार वालों, कोई बिंडाटा किसे नाल नहीं, किसे नाल लड़ाई नहीं, लेकिन गुरु वास्ते सारा कुछ आ जाए। संविधान दे अंदर ही होएगा सब कुछ, किस कुछ भी किसे नाल कोई गलत नहीं होएगा। ये मैं थोनू अज गरंटी देना चाहता पंजाब के लोगों, किसे दा एक भी बंदा मेरे जब तक एक ये सरकार बैठी है लोगों की नजायज थाने च नहीं जाएगा, पारदर्शी सरकार दिती जाएगी, कोई थानेदार मुंशी किसी बंदे नूं नजायज तंग नहीं करेगा, सारिआं नूं इंसाफ मिलेगा, दोषी अंदर जाणगे चाहे वह कोई भी होवे, चाहे किस दा वड्डा होवे चाहे छोटा होवे, इस सब वास्ते कानून इक। यह नहीं है कि जी वड्डा आया तो सारा कुछ ठीक है, तहसीलां दे विच बिल्कुल सही तरीके नाल काम चलेगा, या मैं रहांगा या फिर नहीं तां उह रहणगे। ईमानदारी पल्ले रखी हुई है, लोई लेके आउंदा लोई लेके घर चला जावांगा, लेकिन ईमानदारी सरकार नहीं छड़ेगी, मैं कल्ला नहीं, सरकार से चलेगी ईमानदारी। अरे पारदर्शी तौर पर दिखावांगे इस तरह हो गई है। ते मैं एक मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, मेरा भरा डॉक्टर है, मेरे घर च भी बहुत सारे कर्मचारी है। मेरी वाइफ जब बिजली का बिल आता मैनू मेरे वालू देखने लग जाती, कहनी मेरे तनखा चो जाने हैं,
ईमानदारी की गल दस अज कुछ मैं झूठ नहीं बोलना ये बिल कटने है ताकि किसी की बीवी ओनू ना कहे कि देने कितने दे है मैं कर्मचारियों के मेरे परिवार के बहुत है इस करके मैं कर्मचारियों का नुमाइंदा है कर्मचारी साडे जिंद जान है पंजाब सरकार नू चलाउंदे है इसलिए मैं पंजाब दे सारे इंपलाइज नू हाथ जोड़ के बेनती करदा है कि थोड़ा भरा थोड़ा छोटा है बड़ा है थोड़ा पुत्र है मैं उरे मैनू मेरे नुमाइंदिया ने बिठा लिया एक एक मसले का हल करदा वा किसी नाल कोई दरैत नहीं होगी ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਏ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਾ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਔਰ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਘਰ 10,000 ਫਾਲਤੂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਣ ਕੰਮ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਸੋ ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਡੀਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਡੀਸੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਬੈਠਣਗੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਪੂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਘਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੁਟਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
समा नहीं देना चाहता। यह जड़ी सरकार है कांग्रेस वर्कर की भी सरकार है, इस करके 15 सेक्टर दे विच साडा मंदिर है जिथे मैं मत्था टेकन जाना। जे कांग्रेस दे वर्कर की सुनवाई होगी ता ही सरकार है, पार्टी सुप्रीम है, मुख्यमंत्री या कैबिनेट सुप्रीम नहीं है। पार्टी की आइडियोलॉजी लेके सरकार चलेगी, पार्टी की आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट होगी। कांग्रेस पार्टी का राज होगा, कांग्रेस की आइडियोलॉजी चलेगी। कांग्रेस की आइडियोलॉजी यही है कि सब नूं साथ लेके चलना है, देश की एकता अखंडता वास्ते नाल खड़ना है। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी लेके चलांगे, पार्टी सुप्रीम है, पार्टी के फैसले होंगे, सरकार इंप्लीमेंट करेगी। पंजाब दे विच एकता अखंडता आपसी भाईचारा अगे बधेगा, मेल मिलाप होर अगे बधेगा। साडी मुठ्ठी है जिहड़ी उस नूं कोई खोल के अलग अलग नहीं कर सकता, चाहे ना जात दे नाम ते ना धर्म दे नाम ते। पंजाब अगे बधेगा। सो मैं एक बार फिर मेरा ख्याल है कि मैं सारी गल्लां कर लिया, इस करके क्वेश्चन आंसर मैं फिर किसी टाइम कोई भी गल छी नहीं। अज मेरा वर्ष लग जान दो, अज तो बाद अज तो बाद मसले लगा।